मुख्य उद्देश्य है वो है 6 मार्च को जयपुर में वैशाली नगर में चित्रकूट स्टेडियम में 12 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। तत्पश्चात वहां से हम लोग पैदल कूच करेंगे विधानसभा की ओर हमारी कुछ मांगों को लेकर। उसमें जो मुख्य हमारी मांग है वो हमारे समाज की अनमोल रत्न और धरोहर अमर शहीद सुखदेव सिंह गुगा मिड़ी जी की हत्या के समस्त दोषियों की शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी हो, उनका एनकाउंटर हो या फिर उनकी फांसी शीघ्र अति शीघ्र सुनिश्चित की जाए। और जो 15 सूत्री मांगे जो संघर्ष समिति ने उस वक्त रखी थी जब आंदोलन हुआ था, उस मांगों पे शीघ्र अति शीघ्र अमल किया जाए। उसके अलावा नरेंद्र सिंह फौजी जो उनके अंग रक्षक थे उस घटना के वक्त वहां उपस्थित थे, जो घायल हुए थे उनको भी जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो उनको मिले। और जो चौथी हमारी मांग रखी हमने वो रखी, जितने भी जो गवाह है वो गवाहों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो बिल्कुल बिना डरे बिना भय के अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सके और इन आतंकियों को फांसी की सजा तक पहुंचा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो आतंकी है ये आतंकी सालों से हत्याएं करते आए हैं, संविधान का उन्हें डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तार करके करोगे क्या? एनकाउंटर करके सफाया करो, गंदगी साफ होगी। हम कश्मीर में रहे, मैं बीएसएफ में था, मैं रहा कश्मीर में, आज कश्मीर सुरक्षित है ना, वहां 8 साल रहा हूं और गंदगी साफ की है सब। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी गंदगी साफ कर रहे हैं ना, सब भय का माहौल जो उन्होंने पैदा किया है उसे खत्म तो सरकार ही करेगी। लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, आपके पास साधन संसाधन है, क्यों उन्हें जेल में रखा है साहब? आपने गिरफ्तारियां कर ली, जांच कर ली, अब तो उनका सफाया करो। और जो गिरफ्तारियां बाकी रह गई है, जो सूत्रधार है मददगार है अभी तक आपने उनकी गिरफ्तारियां नहीं की है, तो उनकी गिरफ्तारियां भी शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। हथियार जो बरामद नहीं हो बरामद किया जाए, नहीं तो क्या होगा, जैसे चार्जशीट होगी ये लोग उसका लाभ लेके छूट जाएंगे फिर हत्याएं करेंगे। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मांगे हैं वो जायज है, आपका प्रतिनिधिमंडल आए हमारे साथ बैठ के बात करे और इन मांगों पर सहमति दर्ज करे। और हम चाहते हैं कि इस परिवार को भी न्याय मिले और हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान भी वापस आए।